Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे. तो आज के व्लॉग का आगाज़ एक बार फिर सुबह की सैर से या मॉर्निंग वॉक से होता है. और आज देखें जी, हवा चल रही थी तो समंदर की लहरें थोड़ी सी हिल जुल रही हैं, नॉट लाइक एवरी अदर डे. तो आज मैंने कहा कि आज तो फिर फिल्म करना बनता ही बनता है. बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं थी बट फिर भी थोड़ी बहुत तेज़ थी. और आजकल जो मॉर्निंग टेम्परेचर है वो भी 21 to 22 हो गया. बट इंटरनल एरियाज़ में लाइक जैसे हम रूम वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर गर्म ही है. पता नहीं क्यों, बाहर ही शायद हवा वगैरह होती है. बट ये टेम्परेचर सिर्फ मॉर्निंग टू नाइट या मॉर्निंग में होता है. जैसे ही नून टाइम स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर 30s में चल जाता है, लाइक फिर से 30, 32, 33 तक जाता है स्टिल. क्योंकि बारिशें वगैरह तो हुई नहीं है तुवल के एरिया में. जद्दा, मक्का, मदीना, ताइफ, इन जगहों पर तो खैर बारिशें हुई हैं और काफ़ी मौसम बदल भी चुका है. मगर तुवल में जहाँ पे हमें यहाँ पे बारिश नहीं होती है. और देखें जी कितना वसी और अरीज समंदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह. और बहुत ही क्लियर वाटर होता है बट यह है कि कैमरा सही से कैप्चर नहीं करता. तो मुझे भी भूल सवार हुआ है कि मैंने कीटो डाइट स्टार्ट करनी है. और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी डाइट नहीं करूँगी, सब 5 डेज़ की करूँगी. तो यहाँ पर मैं जब तमीमी आई थी कुछ आइटम्स लेने, तो मैंने फेयर लवली की कुछ न्यू प्रोडक्ट्स देखी हैं. ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, हाइड्रा जेल है जी, और एंटी पिम्पल है और इंस्टा ग्लो है. लिया तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी स्किन के प्रोडक्ट्स पड़ी हैं कि आपको पता है जब आप सब कुछ यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर सी बात एक्सपायर हो जाती हैं. और यहाँ पे सैनिटाइज जो है, यहाँ पे इनके मास्क हैं, मैं ये लेके गई थी बट अभी तक ट्राई नहीं किया. जब ट्राई करूँगी तो आपको रिव्यू भी ज़रूर दूँगी. काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, 88 रियाल्स के थे. यहाँ पे आ चुकी हूँ जी घर. सबसे पहले मैं लेके आई हूँ सारिया की चिकन, 2.5 kg है. बच्चों के जूस और उनका कुछ स्टफ भी था. फ्राइडे आ रहा है तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें ले ली थी. ये जो बिस्किट आप देख रहे हैं गुड्डे के, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो मैंने कहा जब कभी कोई आ जाता है जल्दी में तो इंसान सर्व कर देता है. क्रीम जेंसी है फ्राइडे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि डाइट का प्लान था कि सैटरडे से स्टार्ट करूँगी मैं, सैटरडे टू वेनसडे. फिर थर्सडे वीकेंड आ जाता तो इंसान थोड़ा बहुत खा लेता है. चिकन इसलिए क्योंकि मुझे बीफ, मटन, इन सब ज़्यादा चीज़ों से चिकन ज़्यादा मैं प्रेफर, के मटन जो होता है और बीफ उनको पकाने में गलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. दही लेके आ गई थी मैं ये बच्चों के लिए. और ये कैबेज है जो डाइट के लिए मैं लाई हूँ. और इसके अलावा मैं पालक लेके आई थी और ऑलिव ऑयल लेके आई और बटर लेके आई, क्योंकि देसी घी का तो कोई सीन है नहीं यहाँ पर, शायद मुझे ना मिले. और कोकोनट ऑयल भी मुझे तमीमी सुपर मार्केट में नहीं मिला था, इस वजह से भी मैंने कहा कि चलें जो मिल गया है वही सही. क्योंकि डाइट तो मैंने जस्ट 5 डेज़ ही करनी है, उसके बाद अगर मुझे कुछ रिजल्ट शो होते हैं, क्योंकि इसका यही कहा जाता है कि इंस्टेंट डाइट है. तो इस वजह से मुझे बस ये था कि आपको पता है कभी कभी क्रेज़ हो जाता है. हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा हो रहे थे कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि की जो डाइट में आपको पता है बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं, स्पेशली हेडेक बहुत होता है. खैर जब मैं ये फिल्म कर रही हूँ तब तो मेरा डाइट का 4th डे है. इंशाल्लाह मैं आपसे रिजल्ट शेयर करूँगी. मील्स भी थोड़े बहुत प्रिपेयर किए थे देसी स्टाइल में, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी. और ये देखें जी मेरे चाचू पाकिस्तान से आए हैं. और हाँ मैं बताते चलूँ कि ये जो व्लॉग है वीकेंड का है, थर्सडे एंड फ्राइडे का. तो पाकिस्तान से मैंने नेशनल चिली गार्लिक सॉस मंगाया और ये जो है गोल्डन बेक पार्लर की गोल्डन पिस्ता सेवैयाँ. मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को, मुझे भी बहुत पसंद है. तो मेरी सासू माँ ने अपने पोतों और बहू बेटे के प्यार में इतनी ज़्यादा भेज दी 5 पैकेट्स हैं. एंड यहाँ पे मैंने चिया सीड्स मंगवाए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे मैं लेने जा नहीं सकी थी. मेट्रो मिलन 7 प्लस की अगर बतियाँ हैं पाकिस्तान में, सबको पता है बहुत ही मशहूर हैं. ये मेरा की लिपस्टिक्स हैं और मेरे हस्बैंड को ये ब्लैक चने काफ़ी पसंद है तो ये भेजे हैं थोड़े से, क्योंकि उन सबको पता है कि हम ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ नहीं करते. और मटर और आलू मंगवाए थे मैंने. तो देखें आप कुछ कुछ जो उनसे उगना शुरू हो गए थे तो मेरी मामा ने कहा था इन्हें निकाल लेना, क्योंकि उन्होंने पहले निकाल के रखे थे चाचू की फ़्लाइट चेंज होने की वजह से. ये थोड़े बहुत उग गए. और ये कसरे शीरे के गुलाब जामुन, बर्फ़ी और क्या था, लड्डू हैं येलो वाले. और अब देखें ये चीज़ें उस टाइम पे आई हैं जब मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी और मैंने टेस्ट भी नहीं की मिठाई और मैंने डाइट स्टार्ट कर दी थी. तो यही कुछ आया था पाकिस्तान से. इसके अलावा बच्चों के खाने पीने की कुछ और चीज़ें भी थी लाइक टॉफीज़ वगैरह, वो मैंने ऐड नहीं किए. ये फ्राइडे मॉर्निंग का व्लॉग है जी. यहाँ पे बननी है चाय. चाय के लिए मैं नीडो मिल्क यूज़ करती हूँ. कभी कभी अलमराई का जो टैट्रा पैक वाला है वो भी ऐड कर लेती हूँ, बट आज सिर्फ नीडो यूज़ किया है. दालचीनी, इलायची डाली है मैंने. और यहाँ पे मैं क्रीम्स को मिक्स कर लूँगी जिस देर में चाय बनती है, क्योंकि चाय में पहले रख देती हूँ उसको, क्योंकि जब आप दालचीनी और इलायची वाली चाय बनाते हैं तो उसको अच्छे से बॉयल आना ज़रूरी होता है. 4 पैकेट्स ही क्रीम अलसाफ़ी की अलमराई की मिक्स है. लाइक मुझे जो भी अवेलेबल मिलती है मैं ले लेती हूँ.
ऐसा जैसा कुछ नहीं है। तो जो अलसाफ़ी की थी ऑफ़र पे लगी थी, लाइक उस पे 1 रियाल समथिंग डिस्काउंट था, सो वाई नॉट। यहाँ पे क्रीम मिक्स हो चुकी है विद हनी और चाय, जो से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। और चाय को मैं तकरीबन 10 to 15 मिनट्स अच्छे से पकाती हूँ। यहाँ पे एग्स फ्राई कर लिए थे मैंने, और जिसको जैसे पसंद है, कुछ लोगों को आपको पता है टोटली जो उनसी योक है वो कच्ची पसंद होती है, उसको हाफ बॉयल पसंद होते हैं, उसको हाफ बॉयल कह रही हूँ, हाफ फ्राइड पसंद होते हैं, सॉरी। तो जैसे जैसे सबको पसंद थे उस टाइप के मैंने बना लिए थे, और ये क्रीम्स हैं डिवाइड करके रख दिए सबके लिए। तो नाश्ता रेडी हो गया। पहले हमारे घर में एवरी फ्राइडे पराठे ही बनते थे, बट फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स पराठों का ट्रेंड चला गया। एक ही दिन तो होता है हमने घर में नाश्ता करना होता है, तो फिर मेरे भाई मेरे हस्बैंड सब यही बोला करते हैं कि इतनी ज़्यादा झंझट ना क्या करो। यहाँ पे फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद, मेरे हस्बैंड से कहा था कि एग्स लेते आएगा, क्योंकि कीटो डाइट में एग्स की बहुत ज़रूरत होती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगवाया था और 2 चिकन। चिकन जो उनसे मैं एवरी फ्राइडे को फ्रेश ही मंगवा लेती हूँ, तो उन्हें फ्रीज या फ्रोज़न नहीं होती हैं, ये ऐसे होती हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी फ्रोज़न नहीं होती है, बस फ्रीज से निकाल के वो लोग दे देते हैं। तो इनफ थी, और मेहमानों ने भी आना था, और घर में पहले भी चिकन थी, तो प्याज और सब्ज़ियाँ जो मुझे चाहिए होती है वीकली बेसिस पे मैं मंगवा लेती हूँ। तो मेहमान आ चुके हैं, और यह है जी 3:30 बजे का टाइम, तो खाना भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे ये था कि वो डिनर पे आएंगे, तो जल्दी से मैंने उनको चाय सर्व करी थी। और देखे लड्डू जो उनसे वो टूट फूट गए थे, क्योंकि नाजुक से होते हैं, तो आपको पता है जब ट्रैवलिंग हैंड कैरी में तो आने नहीं देते, बाकी लगेज के साथ होते हैं, तो जब सामान हिलता जुलता है तो चीज़ें टूट जाती हैं। मैंने जल्दी से मेहमानों को चाय सर्व कर दी थी विद निम्को बिस्किट्स, जो बिस्किट लेके आई थी तो मुझे काम आ गए थे। यहाँ पे डिनर रेडी हो चुका, और मैंने डिनर बनाते हुए बिल्कुल भी फिल्मिंग नहीं की थी, क्योंकि यूजुअल सी चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल नहीं था। रशियन सैलड बनाया था क्योंकि मटर थे, तो वाई नॉट जी, मटर तो स्पेशलिटी है ये सैलड की, आई थिंक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रायता है, बिरयानी बनाई थी, रायता बनाया था, आलू मटर मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल हैं, बाकी भी वेजिटेबल्स वो बहुत शौक से खाते हैं। और ये है जी जर्दा, ज़रदा नहीं मुतंजन, ये आया है पाकिस्तान से, मेरी मामा ने भेजा था, मैंने उन्हें कहा था कि ज़रूर भेजेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बट अनलकीली मैं खा नहीं सकी, इंजॉय नहीं कर सकी, क्योंकि वही बात की मैं डाइट स्टार्ट कर दी थी, बट जिस दिन आया था उस दिन मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, उसके बाद नहीं खाया था, फिर मेहमानों को भी दे दिया था। तो डिनर बनाने का ज़्यादा टाइम आपको पता नहीं होता, जब स्पेशली मेहमान आते हैं तो आपकी टेंशन मेहमानों की तरफ होती है, उनको कुछ ना कुछ सर्व करना पड़े जब तक खाना रेडी होता, साथ में बच्चे भी होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह रियान को सुलाने के बाद मैं काम करती हूँ, तो जब तक वो सो रहा होता है मैं डिनर जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर लेती हूँ। और बस सिंपल सा ही डिनर बनाया था, ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, सिर्फ 4 लोग आए थे, और जब भी वो आते हैं मुझे एडवाइस करते हैं कि कुछ भी स्पेशल मत बनाना क्योंकि तुम बच्चों वाली हो, और उन्हें सबको बताया कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव है। यहाँ पे है जी मेरा द ग्रेट चॉपर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चॉपर है, उसकी सबसे अच्छी बात रीज़नेबल तो ये है ही है, मगर ड्यूरेबल भी है, लाइक आपको चीज़ की पायदारी का पता चल जाता है जब आप लेते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड इसका जो ये जार है, इसे जग कहते हैं, जार कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, लाइक अगर आप 1 kg चीज़ भी इसमें डालते हैं इजीली तो वो चॉप हो जाती है। आप देखें कितने अच्छे से मेरा जिंजर गार्लिक जो है वो चॉप हो गया। पहले मैंने सोचा अलग अलग करूं, बट फिर मैंने एक साथ कर लिया, और ये 2 मंथ्स के लिए इनफ होगा। अब वीकेंड है, तो आपको पता है वीकेंड में बहुत से काम भी करने पड़ते हैं, लॉन्ड्री हमारी नॉर्मली थर्सडे नाइट को हो जाती है, उसकी वीडियो तक खैर फिल्म नहीं हुई है। और ये बच्चों के कपड़े हैं, ये शयान के कपड़े, तो प्रेस करके मैंने रख दिए हैं, इनमें से कुछ मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, कुछ को मैं हैंग कर लेती हूँ, क्योंकि फोल्डिंग वाली स्पेस भी फुल हो जाती है। तो फिर जो कपड़े थोड़े नए होते हैं, लाइक जो सिर्फ 3-4 बार पहने हुए होते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, हैंग कर देती हूँ। नाइट क्लोथ्स नॉर्मली, और ट्राउजर्स शर्ट्स जो नॉर्मली होते हैं, जो कभी कभी भी यूज़ हो जाते हैं, वो मैं कर लेती हूँ फोल्ड। ये रयान के हैं, रयान के भी यही सिस्टम है कि उसके भी मोस्टली ड्रेसेस जो उनसे हैंग होते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़ों की डीक्लटरिंग करनी है, जो साइजेस छोटे बड़े हो चुके हैं वो हटाने। और यहाँ पे शयान आ चुका था, क्योंकि मैं काम कर रही थी और उसको कुछ चाहिए था, और मुझे बोल रहा है कि मुझे उठा लें, बट ही नोज़ के मैं फिल्म कर रही हूँ, इसलिए ऊपर बिल्कुल भी नहीं देख रहा वो, देखे वो स्टिल बहुत ज़्यादा शर्माता है। और अभी इसको मैंने बोला कि आप कैमरे की तरफ देखो, तो फिर मैं आपके साथ चलूँगी। तो यहाँ पे जी कपड़े प्रेस हो चुके हैं मेरे, मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के बहुत ही कम होते हैं, लाइक वो लॉन्ड्री से करवा लेते हैं प्रेसिंग, क्योंकि ऑफिस शर्ट्स होती हैं आपको पता है, स्पेशली कॉटन की, तो समटाइम्स टाइम टेकिंग होती है, तो वो डेली शर्ट चेंज करते हैं, इसकी वजह से मुझे 1 मंथ उनके बार बार लॉन्ड्री नहीं करवाने पड़ते। तो यहाँ पे शयान को कुछ खाना था, तो मैंने उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे,
और मेरे पास रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज होते हैं, बट फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ख़ुद से ही आलू काट के मतलब बना के दूँ, फ्रोज़न नहीं देती मैं। और साथ में नगेट्स दे रही थी, और ये वाला खाना मैंने अपने बच्चों को तकरीबन एक मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद दिया, क्योंकि मैं उनको घर का खाना जो भी पकता है वो खिलाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हेल्दी भी होता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।